राजपूत समाज के संगठन जय राजपूताना संघ का दो दिवसीय चिंतन शिविर चिंतामन गणेश उज्जैन में आयोजित हो रहा है, जिसका प्रारंभ 14 सितंबर को हो गया है। और चिंतन शिविर में युवा आध्यात्मिक नैतिक सामाजिक विषय पर चिंतन करेंगे, साथ ही राष्ट्र को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए इस विषय पर भी राजपूताना संघ का चिंतन शिविर रखा गया है। इस विषय पर भी राजपूताना संघ का चिंतन शिविर रखा गया है, जिसमें जय राजपूताना संघ के संस्थापक विप्सा रेटा, जयपुर प्रदेश संयोजक लाखन सिंह कठोड़िया, साथ ही में संगठन प्रमुख तारेंद्र बना उज्जैन, जिला संयोजक सुरेंद्र सिंह सेवर खेड़ी, शिविर प्रमुख गोपाल सिंह, जय सिंह सोलंकी, प्रद्युम्न सिंह लखन सिंह पाला खेड़ी, राजपाल बना मानपुरा, शैलेंद्र सिंह बना, जितेंद्र सिंह बना और साथ ही में राजपाल सिंह दावत खेड़ी, हितेन बना, हेमेंद्र सिंह सोलंकी, विजेंद्र सिंह, साथ ही जय राजपूताना संघ सक्रिय हर जिले से सदस्य उपस्थित थे। अब ये जो चिंतन शिविर है, किस प्रकार से समाज हित, राष्ट्रीय हित और अन्य विषयों पर चर्चा होगी और किस प्रकार से क्या रहेगा? देखिए, ये हमारा दूसरा चिंतन शिविर है। अभी इससे पहले राजस्थान में हमने कुछ दिनों पहले 4 से 5 तारीख का केलवा में राजस्थान का राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया था। ये मध्य प्रदेश का है। हम ये चिंतन शिविर क्यों आयोजित करते हैं, इस बिंदु पे सबसे पहले विचारधारा ये है कि समाज और राष्ट्र दोनों ही जिस दिशा में अभी काम कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियाँ बड़ी दयनीय हैं हमारे लिए। और युवा वर्ग जो है वर्तमान में, अगर युवा पीढ़ी जो चल रही है वो युवा पीढ़ी संस्कारित और पूर्णतः आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ेगी, तो ये भारत जो है पूर्ण में हमारे पूर्वजों के समय जो विश्वगुरु था वो निश्चित रूप से वापस उसी प्रतिष्ठा को पालेगा। हम जो पूर्ण लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में छात्र धर्म की स्थापना हो। तो जो हमारे पुरखों ने इस राष्ट्र को अपने रक्त से सींचा है, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा इतिहास आपको देखने का नहीं मिलेगा। एक क्षत्रियों का इतिहास ऐसा है जिन्होंने गर्दने कटने के बाद भी युद्ध लड़े, और क्षत्रियानियाँ जो है स्वयं के अस्तित्व को बचाने के लिए वर्तमान में जो पाश्चात्य संस्करण में हमारी महिलाएं या बच्चियां आप देखते हैं इंस्टा पे और यूट्यूब पे, इन पे चैनल्स जो है उल्टे सीधे वीडियोस डालती है, अश्लील वीडियो, तो उनको ये समझाने का प्रयास है इन बच्चों के माध्यम से कि हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे, हमने संस्कारित तरीके से। वॉइस ऑफ राइट्स के उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।